एक ओर जहां नांगल चौधरी क्षेत्र के पीने के पानी की बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं, लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक पानी नसीब नहीं हो रहा है। पानी के बिना मवेशियों का बुरा हाल है। पानी की भवाहिता के चलते सरकार ने 2005 में नांगल चौधरी को डार्क जोन घोषित किया हुआ है। इसके बाद से यहां कृषि नलकूपों के निर्माण पर भी प्रतिबंध है, लेकिन बावजूद इसके डार्क जोन में टाइल सीमेंट फैक्ट्री पानी की बर्बादी का इतिहास लिख रही है। सभी टाइल फैक्ट्रियों पर प्रतिदिन लाखों गैलन पानी बर्बाद किया जा रहा है। फर्जी तरीके से चल रही फैक्ट्रियां, यदि यहां संचालित सीमेंट टाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों की ही बात की जाए तो सभी टाइल फैक्ट्रियां फर्जी तरीके से संचालित की जा रही हैं। नांगल चौधरी में यदि टाइल फैक्ट्री पर ही गौर किया जाए तो प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए करीब 2 दर्जन टाइल फैक्ट्रियां चल रही हैं। हर 5वें गांव पर एक टाइल फैक्ट्री संचालित है, जिससे नांगल चौधरी में ग्रामीणों का गला तर करने की बजाय इन फैक्ट्रियों पर बदवार किया जा रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि किसी फैक्ट्री में जहां सरपंच का हिस्सा है तो किसी में जेई व अधिकारी का। यही वजह है कि सड़क निर्माण में लगने वाली इन टाइलों का जिक्र करें तो घटिया गुणवत्ता होने पर भी अधिकारी पास कर देते हैं। नांगल चौधरी से जाट टीवी न्यूज़ के लिए रामपाल फौजी की रिपोर्ट। नांगल चौधरी डार्क जोन घोषित है, यहाँ आम जन के लिए पीने के लिए पानी नहीं है। एक टैंकर मिलता है 500-700 रुपये में मिलता है, उसका वो भी 2-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। और जहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हैं, रोड अंडरसंड बजरी के प्लांट चल रहे हैं, उनके लिए पानी बहुत है, वो कभी भी सब नहीं रहते। अगर नोटिफाइड एरिया की बात है नारनो नांगल चौधरी में, अगर उसमें कोई टाइल्स फैक्ट्री लगी हुई है और उस टाइल्स फैक्ट्री में ट्यूबवेल अगर बिना परमिशन के लगा हुआ है, कमर्शियल यूज हो रहा है, तो वो टोटली इलीगल है। उसको चेक करवा के उस पर कार्रवाई की। सर, ये पिछले 5-7 सालों से चल रहा है क्या? 5-7 सालों से आपकी नज़र में नहीं आया? हमारी तो अभी नॉलेज में है नहीं, बाकी चेक करके उस पर कार्रवाई की। सर, ऐसा क्यों होता है कि सब चीज़ें चलती हैं? मीडिया जब नॉलेज में कोई चीज़ आती है तो वो चीज़ नॉलेज आती है, अदरवाइज बिना नॉलेज चलती है। एक्चुअली हमारे पास स्टाफ भी कम है, मैं अकेला हूँ, डिस्ट्रिक्ट 2 है और मेरे पास 2 दिन का एडिशनल चार्ज भी भिवानी का है। बाकी अगर आपने बताया है तो उसको चेक करवा के। सर, लगभग 60 की तादाद में फैक्ट्रियाँ हैं, टाइल्स फैक्ट्री, वो सारी कमर्शियल पर्पज़ के लिए ही लगाई गई हैं, जो कि सरकार के जो हैं टेंडर्स जो हैं उनमें वो सप्लाई दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि हमारी नॉलेज है। उसको चेक करवा के उस पर कार्रवाई कर ली जाएगी, जो कार्रवाई बनती है अथॉरिटी की गाइडलाइंस के अनुसार। अगर वो कमर्शियल यूज में हो रहा है उसका यूज, तो करवा ली जाएगी। चलो सर, हमारी तरफ से, मीडिया की तरफ से आपकी नॉलेज में आ गया है, क्या माने कब तक कार्रवाई होगी? विद इन 1 वीक देख लेते हैं।